हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त रुपेश कुमार। तो आज हम देखने वाले हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में, प्रक्रम के बारे में, है ना, ऊष्मागतिकी प्रक्रम के बारे में। ठीक है, तो इसमें हम एक एक करके समझेंगे डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोसेस होते हैं उसको एक एक करके। इससे पहले भी मैंने 2-3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप उसको भी देख सकते हो, जिसमें मैंने डिटेल में इंट्रोडक्शन पार्ट को कराया है, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज और स्टेट एंड पाथ फंक्शन को भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता क्या है। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ठीक है, सिस्टम चेंजेस वन स्टेट टू अनदर स्टेट। अगर सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होता है, इसी ऑपरेशन या फिर इसी एक्शन को हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं, प्रक्रम बोलते हैं। और हिंदी में बोले तो जब कोई ऊष्मागतिकी तंत्र एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता है, तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रक्रम कहते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब सिस्टम का एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होगा तो प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अब हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है आइसोथर्मल प्रोसेस, समतापी प्रक्रम। तो इट इज़ ए प्रोसेस ड्यूरिंग विच, है ना, इट इज़ ए प्रोसेस ड्यूरिंग विच टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। अगर पूरे जब प्रोसेस चेंज हो रहा है वन स्टेट से अनदर स्टेट में, जब सिस्टम चेंज हो रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर पूरे सिस्टम का कॉन्स्टेंट होगा। तो क्या होगा, मान लो यहाँ से एक ये स्टेट है, ए से अगर बी में जा रहा है, स्टेट क्या है, ए से बी में सिस्टम चेंज होना चाह रहा है, तो यहाँ पर अगर स्टेट वन पे टेम्परेचर क्या था, T1 था, और तो स्टेट टू पे टेम्परेचर क्या होगा, T2 हुआ। तो यहाँ के केस में क्या होगा, टेम्परेचर सेम होना चाहिए, मतलब स्टेट वन सिस्टम अगर चेंज हो रहा है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि T1 और T2 इक्वल होना चाहिए। तो अगर हम टेम्परेचर चेंज निकालें डेल्टा टी, तो क्या होगा, T2 माइनस T1। तो अगर यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पर भी कितना होगा, T2 भी 25 डिग्री सेल्सियस होगा, क्योंकि टेम्परेचर तो चेंज हो नहीं रहा है। तो क्या हो जाएगा, 25 माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा, सिस्टम के लिए 0, मतलब टेम्परेचर तो 25 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर का चेंज देख रहे हैं ना, डेल्टा से मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर, तो क्या हो रहा है, 0। अभी हम डेल्टा किसके लिए लिखते हैं, तो स्टेट फंक्शन के लिए लिखते हैं, स्टेट फंक्शन मतलब अवस्था फलन के लिए लिखते हैं। तो डेल्टा टी क्या है, हमारा टेम्परेचर एक अवस्था फलन, स्टेट फंक्शन है। तो सबसे पहले आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या हो गया, डेल्टा टी 0 हो गया। ये वाला कॉन्सेप्ट को आप याद रखना होगा। अब ये होता कैसे है, अगर मान लो T1 स्टेट से चेंज होना चाह रहा है T2 में, ठीक है, T1 से T2 में चेंज होते जा रहे हैं सिस्टम, अगर सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इस टेम्परेचर को किसको दे देगा, वो सराउंडिंग्स को दे देगा, किसको दे देगा, सराउंडिंग्स को टेम्परेचर को दे देगा। टेम्परेचर अगर 25 डिग्री सेल्सियस था स्टार्टिंग में, अगर पाथ में चेंज होते होते क्या हो रहा है, 26 हो गया, तो ये 1 डिग्री सेल्सियस को किस में ट्रांसफर कर देगा, वो सराउंडिंग्स को दे देगा, और ओवरऑल सिस्टम का टेम्परेचर कितना होगा, 25 डिग्री सेल्सियस ही होगा, मतलब वो कॉन्स्टेंट ही होगा। ठीक है, क्या हो जाए, यदि किसी भी क्रिया में या फिर प्रोसेस में ऊष्मा क्या हो, उत्सर्जित होती है, अगर ऊष्मा निकलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया, या फिर अगर ऊष्मा वो अब्जॉर्ब करती है ना, एनर्जी क्या करता है, एक्सेप्ट करता है सिस्टम, तो उसको हम बोलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हिंदी में, और इंग्लिश में इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यह कॉन्सेप्ट क्या है, अगर टेम्परेचर बढ़ भी रहा है सिस्टम का, तो उसको किसको दे देगा, सराउंडिंग्स को दे देगा, और एक टेम्परेचर अपना कॉन्स्टेंट ले आएगा, फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट में टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर क्या है, स्टेट फंक्शन है, तो सिर्फ दो ही जगह दो चीज़ पे डिपेंड करेगा, इनिशियल स्टेट पे और फाइनल स्टेट पे। तो चेंज इन अगर टेम्परेचर हम निकालेंगे तो वो तो 0 होगा, जबकि पाथ में अगर हम देखें तो टेम्परेचर चेंज होता है, पाथ में अगर होगा तो टेम्परेचर ज़्यादा कम होगा, तो सराउंडिंग्स के साथ इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है तो सराउंडिंग्स को दे देगा, टेम्परेचर अगर कम हो रहा है तो सराउंडिंग से वो ले लेगा। तो इस टाइप से होता है आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसमें क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो इक्वेशन आपको आगे यूज होगा, इसलिए आपको ये सब याद रखना है। अब हमारा नेक्स्ट है एडियाबेटिक प्रोसेस, इसको हम बोलते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, रुद्धोष्म प्रक्रम। ये देखते हैं, इट इज ए प्रोसेस ड्यूरिंग विच, है ना, इट इज ए प्रोसेस ड्यूरिंग विच सिस्टम डज नॉट एक्सचेंज हीट विद द सराउंडिंग्स। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, हीट क्या हो रहा है, कॉन्स्टेंट है, हीट
एक्सचेंज नहीं होता किसके साथ, सराउंडिंग के साथ, इसको बोलते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। तो नो हीट कैन फ्लो फ्रॉम आर टू द सिस्टम, ना तो कोई सिस्टम से हीट बाहर जाएगा और ना ही सिस्टम में कोई हीट आएगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है, चेंज इन हीट जो है ना, हीट क्या है, क्यू जो बोलते हैं हीट, वो क्या है, कांस्टेंट है। हीट क्या है, कांस्टेंट होगा इस पूरे प्रक्रम में, पूरे प्रोसेस में। तो ऐसा होता कैसे है, अगर हम सिस्टम ले ले अपना, ये हमारा सिस्टम है, इसको हम क्या करें, एक हीट इंसुलेटर से घेर दें, किससे, हीट इंसुलेटर, है ना। यहाँ पर ए प्लस बी कुछ रिएक्शंस हो तो कुछ क्या होगा, हीट जनरेट होगा, तो हीट यहाँ से तो बाहर जा नहीं सकता, हीट इंसुलेटर है ये, तो सिस्टम का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर ठीक है, अगर रिएक्शन से हीट निकले तो, लेकिन अगर क्या बोलते हैं, इस रिएक्शंस को होने के लिए क्या चाहिए, हमें हीट टेम्परेचर देना, हीट चाहिए, तो क्या करता है ये सिस्टम से, ये हमारा क्या है, सिस्टम है, इस सिस्टम से हीट ले लेता है। अगर रिएक्शंस को होने के लिए टेम्परेचर चाहिए, हीट चाहिए, तो क्या करता है वो, सिस्टम से हीट ले लेता है। तो फिर उस केस में टेम्परेचर का हीट क्या हो जाता है, कम, टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर सॉरी कम हो जाता है सिस्टम का। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा सिंपल वे में, अगर ए प्लस बी रिएक्शंस किस में हो रहा है, इस पूरे इस सिस्टम में हो रहा है, ठीक है, इस पूरे सिस्टम में, हम इस यहाँ पे लिख दिए, इस सिस्टम में क्या हो रहा है, ए से बी हो रहा है, हीट जनरेट हो रहा है, अगर हीट जनरेट हो रहा है तो सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो अगर हमें ए प्लस बी को रिएक्शंस को सी होने में हीट देना पड़ रहा है ना, हीट देना पड़ रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, टेम्परेचर सिस्टम का कम हो रहा है। ये होता है एडियाबेटिक प्रोसेस, इसमें क्या कॉन्स्टेंट है, हीट कॉन्स्टेंट होता है, सिस्टम का हीट कॉन्स्टेंट होता है, वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो जो हीट यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है वो भी किस में है, सिस्टम में ही है, इसीलिए सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ जा रहा है, सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ जा रहा है, और अगर हीट इसको ज़रूरत पड़ रहा है तो टेम्परेचर का हीट कम हो जा रहा है। ये वाला सिंपल सा कॉन्सेप्ट है एडियाबेटिक प्रोसेस, नो हीट कैन फ्लो फ्रॉम टू द सिस्टम, सिस्टम में कोई भी हीट बाहर से या फिर सिस्टम से बाहर नहीं जाता है। अब हम देखेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस सम आयतनी प्रक्रम, इसमें क्या होगा, ड्यूरिंग प्रोसेस वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेंस कांस्टेंट। तो वही है, स्टेट ए से स्टेट बी अगर चेंजेस हो रहा है तो यहाँ पर का वॉल्यूम क्या है, V1 है स्टेट ए पे सिस्टम का, और सिस्टम बी का वॉल्यूम क्या है, V2 पे, ये है, तो वॉल्यूम भी का एक स्टेट फंक्शन है, तो चेंज इन वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या होगा, V2 - V1, और जबकि V1 और V2 दोनों सेम है ना, चेंज नहीं हो रहा, दोनों सेम है, तो क्या होगा, जीरो, तो चेंज नहीं होगा, तो डेल्टा वी बराबर जीरो। एक पॉइंट और याद रखते हैं, वर्क डन जो होता है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो आने वाले वीडियो लेक्चर में समझेंगे, इसका वैल्यू होता है -P ∆V, अगर सिस्टम वर्क करता है तो सराउंडिंग्स पे, है ना। तो अगर देखो वॉल्यूम अगर जीरो, वॉल्यूम अगर चेंज नहीं हो रहा है, मतलब डेल्टा वी क्या है, जीरो है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है ना, स्टेट ए पे भी वॉल्यूम क्या है, V1 है, स्टेट बी पे भी वॉल्यूम क्या है, V2 है, और दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है, वैल्यू अलग अलग दिख रहा है, बट V1 और V2 क्या है, दोनों सेम है। यहाँ पर भी 5 लीटर है मान लेते हैं, यहाँ पर भी 5 लीटर है, उसमें चेंज नहीं हो रहा है, तो डेल्टा वी क्या होगा, जीरो होगा, डेल्टा वी जीरो होगा तो वर्क डन भी क्या होगा, क्योंकि डेल्टा वी का वैल्यू क्या रखेंगे हम, -P ∆0, तो वर्क डन भी जीरो होगा। अगर वॉल्यूम चेंज नहीं होता है तो वहाँ पर वर्क डन भी जीरो होता है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट से आप याद रखेंगे, क्वेश्चन में पूछा जाता है आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए क्या जीरो होगा, तो वर्क डन जीरो होगा, और साथ ही साथ वॉल्यूम चेंज जीरो होगा, वॉल्यूम भी क्या है, स्टेट फंक्शन है। अब हम देखते हैं आइसोबारिक प्रोसेस सम दाबी प्रक्रम, ड्यूरिंग अ प्रोसेस प्रेशर ऑफ द सिस्टम क्या हो रहा है, रिमेंस कांस्टेंट। सिंपल सा, ए से बी हम जा रहे हैं, तो सिस्टम इसका प्रेशर P1 है, इसका प्रेशर P2 है, तो क्या होगा, P1 और P2 इक्वल है, तो चेंज इन P भी क्या होगा, जीरो होगा, प्रेशर भी चेंज नहीं हो रहा है, तो इसको बोलेंगे हम आइसोबारिक प्रोसेस, ड्यूरिंग ए प्रोसेस प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेंस कांस्टेंट। अब हम देखते हैं साइक्लिक प्रोसेस, इट इज़ ए प्रोसेस इन विच सिस्टम रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। अगर मान लो यहाँ से सिस्टम स्टार्ट किया था, तो यहाँ से घूम फिर के क्या करेगा, वहीं पे आ जाएगा वो, ठीक है, इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर ए नंबर ऑफ चेंजेस। अब यहाँ से कुछ चेंजेस हुआ, यहाँ पे कुछ चेंजेस हुआ, यहाँ से भी चेंजेस हुआ, बट वो कहाँ पे आ गए, टोटली देखा जाए तो अपने इनिशियल स्टेट पे आ गया है। तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए क्या होगा, साइक्लिक प्रोसेस के लिए भी उसका वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। अब देखो कोई भी क्या बोलते हैं, स्टेट फंक्शन है, क्या है, स्टेट फंक्शन है, जैसे कि
इंटरनल एनर्जी एंथैल्पी, तो इसका इनिशियल स्टेट पे क्या था, यू वन वैल्यू रहा होगा। इंटरनल एनर्जी जब स्टार्टिंग था तो क्या था, यू वन था, पूरे घूम फिर के जब आया तो क्या होगा, फाइनल आया तब क्या होगा, इसका वैल्यू यू टू हो गया। लेकिन क्या है यहाँ पे एक ही वैल्यू पे आ गया, यू वन और यू टू दोनों सेम है, तो डेल्टा यू क्या होगा, जीरो होगा ना, क्योंकि यू वन और यू टू दोनों सेम है। ये हो गया चक्रीय प्रक्रम, या बोलेंगे साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस में जो स्टेट फंक्शन वाले जो प्रॉपर्टीज शो करते हैं, एंथैल्पी, एज, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब का वैल्यू क्या होता है, चेंज इन, अगर चेंज देखते हैं तो जीरो होता है। ये हो गया साइक्लिक प्रोसेस का, हम समझ गए सिंपल से कॉन्सेप्ट में। अब हम देखेंगे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हिंदी में बोलते हैं उत्क्रमणी और अनुत्क्रमणी, ठीक है। यदि हम इसके हिंदी में डेफिनेशन देखें तो क्या होता है रिवर्सिबल का, यदि किसी ऊष्मा गति की प्रक्रम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को इस प्रकार इनफाइनेटली स्माइली स्लोली करे, मतलब बहुत ही ज़्यादा अनंत धीरे धीरे तक तथा अनंत सूक्ष्म पदों में, बहुत ही स्लो, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट स्माइली स्लोली, ठीक है। हिंदी में बोलेंगे तो अनंत धीरे धीरे, बहुत स्लो रिएक्शन क्या करें, बहुत धीरे धीरे कराएं, बहुत स्लो कराएं, बहुत ही कम, है ना। इन्फाइनाइट समझ सकते हो आप कितना स्लो होगा, तो क्या होगा ये बहुत सारे स्टेप में होगा कंप्लीट, अनंत सूक्ष्म पदों में क्या होगा ये कंप्लीट होगा। तो क्या होगा, मान लो बहुत कम चेंजेस हो रहा है तो सिस्टम सराउंडिंग्स के साथ क्या होगा, एनी टाइम रिवर्सिबल होगा, एनी टाइम क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। अगर ये सिस्टम है और ये क्या पूरा सराउंडिंग्स है, तो बहुत ही स्लो अगर प्रोसेस करे सिस्टम, क्या बहुत स्लो प्रोसेस कर रहा है, तो एनी टाइम मतलब सेकंड्स के भी बहुत कम, समझ सकते हो बहुत कम सेकंड में, है ना, सेकंड्स के भी बहुत ही कम पार्ट्स में अगर ये रिएक्शन हो रहा है, बहुत धीरे धीरे हो रहा है, तो सिस्टम और सराउंडिंग्स क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे होगा। किसी भी अगर स्टेप पे हम चेक करेंगे तो इनके क्या होगा, ये सिस्टम और सराउंडिंग्स प्रारंभिक हो, अंतिम हो, या फिर मध्य अवस्था के आसपास हो, साम्य में बने रहेगी, किसके साथ, सिस्टम और सराउंडिंग के साथ। सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ से हम समझते हैं, ये हमारा हो गया सिस्टम, यहाँ पे लगा दिए एक पिस्टन, ठीक है। अगर ये पिस्टन बहुत ही स्लो, मान लो पिस्टन का प्रेशर कितना है स्टार्टिंग में, पी है, और इसका भी गैस का प्रेशर भी पी है, दोनों क्या है भी इक्वल है, पी और मतलब पी वन और पी टू, ये मान लेते हैं पी वन है, ये क्या है पी टू है, पी वन और पी टू क्या है इक्वल है, तो यहाँ पे कोई भी प्रेशर नहीं लगेगा, पिस्टन यहीं पे रखा रहेगा, तो गैस में कोई भी एक्सपेंशन नहीं होगा, ना ही कोई कंप्रेशन होगा, ना तो प्रसार होगा और ना ही संपीड़न होगा। बट जैसे अगर हम प्रेशर पी वन माइनस डी पी कर दें, बहुत थोड़ा उसमें से कम कर दें, है ना, पी वन से माइनस डी पी, मतलब बहुत छोटा वैल्यू का प्रेशर हम उसमें क्या करें, कम कर दें, थोड़ा कम कर दें, तो थोड़ा क्या होगा, यहाँ पे पी टू जो है वो ग्रेटर देन हो जाएगा पी वन और डी पी से, है ना, क्योंकि पी वन में क्या हो रहा है, थोड़ा माइनस कर दिए हम लोग, थोड़ा कम कर दिए प्रेशर को, तो पी टू क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो इस केस में क्या हो जाएगा, फिर एक्सपेंशन होना स्टार्ट हो जाएगा, एक्सपेंशन या फिर प्रसार होगा, मतलब ये गैस जो है ऊपर प्रेशर लगाएगा, तो बहुत ही स्लो स्लो में, बहुत ही, ये जो इन्फाइनाइटली स्माइली स्लोली जो लिखा गया है, यही है कि बहुत ही स्लो में धीरे धीरे करके क्या हो, वो एक्सपेंशन होना स्टार्ट होगा। तो पूरे स्टेप में हम कहीं पर भी चेक करेंगे तो क्या होगा, वो सराउंडिंग के साथ इक्विलिब्रियम में होगा, ये हमारा क्या है, बाहर सराउंडिंग्स है ना, सराउंडिंग्स के साथ क्या होगा, वो इक्विलिब्रियम पे होगा, हमें चेंजेस पता नहीं चलेगी। अब इक्विलिब्रियम पे होगा तो क्या होगा, वो रिवर्सिबल भी होगा, है ना, उत्क्रमणीय भी होगा। तो इस टाइप के रिएक्शन जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल, और जो बहुत स्लो नहीं होता, फास्ट होता है, और जिसको एक बार चेंजेस कर दिए तो फिर से वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, इरिवर्सिबल प्रोसेस। इसको हम यहाँ से एक एक करके समझेंगे, डिफ्रेंशिएशन जब करते हैं तब। सबसे पहले हम देखते हैं रिवर्सिबल का, इट इन्वॉल्व्स इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ इनफाइनाइट स्माइली स्मॉल स्टेप्स, ठीक है, बहुत ही छोटे छोटे स्टेप्स में इनिशियल टू फाइनल चेंज होता है, तो इसमें क्या हो, पता ही नहीं चलता कि रिएक्शन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, बहुत कम, ठीक है, एंड टेक इनफाइनाइट टाइम टू अकर। तो ऐसा रिएक्शन जो बहुत ही स्लो या बहुत ही छोटा स्टेप ले या बहुत ही स्लो हो और साथ ही बहुत ज़्यादा टाइम लगे, इनफाइनाइट टाइम लगे, तो इसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन,
जबकि ऐसा रिएक्शन क्या पॉसिबल नहीं है कि कोई भी रिएक्शन अनंत काल तक चले, इनफाइनाइट टाइम तक चले। रिवर्सिबल समझ गए। इरिवर्सिबल में क्या है, इट टेक्स फाइनाइट टाइम, मतलब ये किसी भी 10 मिनट, 15 मिनट, 1 साल, 2 साल जो भी होगा, बट ये अनंत काल तक नहीं होगा, इन्फाइनाइट नहीं होगा, तो इसको हम बोलेंगे इरिवर्सिबल रिएक्शन। इट इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट एट ऑल स्टेजेस ऑफ द ऑपरेशन। ये क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है किसके साथ, सिस्टम और सराउंडिंग, हर स्टेज में, हर एक स्टेप पे इक्विलिब्रियम पे होता है, साम्य पे होता है, सिस्टम और सराउंडिंग्स में चेंजेस होते रहता है, ठीक है, क्योंकि बहुत स्लो हो रहा है तो सिस्टम सराउंडिंग्स में क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, जबकि इक्विलिब्रियम ओनली इनिशियल एंड फाइनल स्टेजेस ऑफ द सिस्टम। तो ये क्या होता है, इरिवर्सिबल, इनिशियल और फाइनल स्टेज के साथ इक्विलिब्रियम में होगा, जबकि ये क्या होगा, क्योंकि सिस्टम ही इनफाइनाइट टाइम तक चल रहा है ना, इसमें कोई लिमिट तो है नहीं कब तक चलेगा, तो हर एक स्टेप में ये इक्विलिब्रियम में होता है किसके साथ, सिस्टम और सराउंडिंग का। तो ये होता है हमारा रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल में ओनली इनिशियल और फाइनल जब होगा, उन दोनों के बीच क्या होगा, इक्विलिब्रियम रहता है। इट इज़ ए इमेजिनरी, क्योंकि रिवर्सिबल ऐसा रिएक्शन पॉसिबल नहीं है जो इनफाइनाइट टाइम तक चले, है ना, तो हम सिंपली से क्या बोल सकते हैं, काल्पनिक है, ये ऐसा होता नहीं है, सैद्धांतिक नहीं है, ये काल्पनिक है, जबकि इट इज़ ए रियल एंड कैन बी फॉर्मल फॉर्म्ड एक्चुअली। ये क्या है, एक रियल है और इसको हम एक्चुअली फॉर्म भी देख कर आ सकते हैं, है ना। इरिवर्सिबल रिएक्शन तो होता है, हम देखे हैं कोई ऐसा रिएक्शन नहीं है जो अनंत काल तक चले, ऐसा हम लोग अभी तक नहीं देखे हैं, इसलिए इसको इमेजिनरी बोला गया है, जबकि इसको इरिवर्सिबल को रियल बोला गया है। ऑल चेंजेस आर रिवर्स, तो इसमें क्या होता है, कोई भी चेंजेस जो हो रहा है ना, स्मॉल स्मॉल स्टेप में स्मॉल स्मॉल चेंजेस जो हो रहा है उसको हम रिवर्स कर सकते हैं, तो ये होता है रिवर्स, इसलिए उसको रिवर्सिबल रिएक्शन बोल देते हैं, जबकि डू नॉट रिवर्स आफ्टर चेंजेस अकर, जबकि इसमें क्या होता है, एक बार अगर चेंजेस हो गया तो उसको हम रिवर्स नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा रिएक्शन को हम इरिवर्सिबल प्रोसेस बोल देते हैं, जो रिएक्शन ऐसा रिएक्शन जिसमें चेंजेस नहीं होता है एक बार चेंज होने के बाद, उसको इरिवर्सिबल प्रोसेस बोल देते हैं, और रिएक्शंस को इरिवर्सिबल रिएक्शंस बोल देते हैं। अब देखो ये क्या होगा, बहुत टाइम तक चल रहा है रिएक्शंस, है ना, इनफाइनाइट टाइम तक चलेगा, तो इसमें वर्क डन, अगर इससे अगर वर्क हमें मिले तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हमें वर्क मिले, क्योंकि रिएक्शन बहुत टाइम तक चल रहा है, तो जैसे जो हमारा प्रोसेस है वो अगर इनफाइनाइट टाइम तक चल रहा है, तो हर प्रोसेस में हमें कुछ ना कुछ वर्क डन मिलता रहेगा, तो इसलिए W जो रिवर्सिबल का वर्क डन है वो ज़्यादा रहता है किसका, इरिवर्सिबल के कंपैरिजन में, जबकि ये पॉसिबल तो है नहीं, है ना, ऐसा कुछ इरिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनफाइनाइट टाइम तक कोई भी रिएक्शन होता ही नहीं है, इमेजिनरी है। तो यहाँ पर भी वही लिखा हूँ कि क्यू W रिवर्सिबल वर्क डन ज़्यादा होता है W इरिवर्सिबल से। तो आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट में समझ में आ गया होगा कि रिवर्सिबल क्या है, जो इनफाइनाइट टाइम तक चले, बहुत ही कम कम, बहुत ही स्लो चले, और हर एक स्लो पे, हर एक स्टेप पे वो इक्विलिब्रियम पे हो, किसके साथ, सराउंडिंग्स के साथ, तो इसको बोलते हैं हम रिवर्सिबल प्रोसेस। और जो इसके अपोजिट हो, जो है ना इनिशियल और फाइनल स्टेट में ही क्या हो, इक्विलिब्रियम पे हो, तो उसको हम बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस। ये मैंने पूरे यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझा दिया है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का कॉन्सेप्ट, और डिफरेंट डिफरेंट मैंने प्रोसेस के बारे में बता दिया, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, ये सब, ठीक है। तो अगर उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में अच्छे से आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दो, अगर कुछ क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।